इधर सीएसटी स्टेशन पर आतंकवादी तबाही मचाने में लगे थे तो दूसरी तरफ कोलाबा में लियोपोल्ड कैफे आतंक का शिकार बन चुका था। अनामिका अपनी सहेली सारिका के साथ उस रात यहाँ खाना खाने आई थी। उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया ही था कि अचानक गोलियों की बरसात होने लगी। तीन गोली लग चुकी थी तो पता ही नहीं था कि मुझे गोली लगी है। तो जब हाथ पेट की तरफ हाथ रखा तो देखा कि गोली लगी है। That day for 4 days we couldn't sleep well because we saw death nearly eye to eye and I saw the terrorists face to face. लियोपोल्ड कैफे से कुछ दूर नरीमन हाउस में भी दो आतंकवादी घुस चुके थे। वहां उन्होंने लोगों को बंधक बना लिया। लेकिन उस वक्त पुलिस के आला अधिकारी कामा अस्पताल की तरफ दौड़ रहे थे। खबर थी कि दो आतंकवादी फायरिंग करते हुए अस्पताल की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां अफरा तफरी मच गई। उन लोग उधर से आवाज आ रहा करके उनको देखने के लिए अंदर चले गए तो है ना गोली का आवाज आ रहा था तो उन लोगों को दोनों को बचाने के लिए मैं भागी अंदर और उन लोगों को बाहर निकाली। उसके बाद में मेरे हाथ को गोली लग के दीवार में घुस गई। हेमंत करकरे ने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स के बाहर अपनी गाड़ी रोकी और फिर पूरी तैयारी के साथ कामा अस्पताल की तरफ निकल पड़े। उस वक्त तक कामटे और सालस्कर वहां नहीं पहुंचे थे। करकरे एसीपी पायधुनी की गाड़ी से कामा अस्पताल के पीछे वाले गेट पर पहुंचे। रास्ते बंद होने की वजह से सालस्कर और कामटे को अपनी अपनी गाड़ियां पहले ही छोड़नी पड़ी। ये दोनों पैदल ही करकरे के पास पहुंचे। तीनों यहीं से आतंकवादियों पर हमले की तैयारी कर रहे थे। करकरे ने और फोर्स मंगाने के लिए भी कह दिया था लेकिन तभी आतंकवादियों की नजर उस गाड़ी पर पड़ गई जिसकी आड़ में ये लोग हमले की योजना बना रहे थे। जवाब में कामटे और सालस्कर ने भी गोलियां चलाई जो कसाब के हाथ और इस्माइल के पैर में लगी। लेकिन दोनों तरफ से हो रही इस फायरिंग में आखिरकार करकरे समेत पुलिस के तीनों बड़े अधिकारी मारे गए। कसाब और इस्माइल की गाड़ी यहां पहुंचते ही पहले डिवाइडर से टकराई फिर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। कांस्टेबल तुकाराम ओंबले ने सीधे कसाब पर धावा बोला, उसे गाड़ी से बाहर खींचकर अपनी गिरफ्त में ले लिया। घायल कसाब ने खुद को बचाने के लिए तुकाराम के पेट पर गोलियां चलाई लेकिन तुकाराम ने आखिरी सांस तक कसाब को भागने का मौका नहीं दिया। आखिरकार कसाब पकड़ा गया और इस्माइल पुलिस की गोलियों का शिकार बन गया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और होटल ताज का एक गुंबद आग के लपटों से घिर गया। अंदर सैकड़ों लोग फंसे हुए थे, इनमें कई विदेशी भी थे। उस वक्त होटल ताज के अंदर क्या हो रहा था किसी को ये अंदाजा नहीं था। बीच बीच में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में दो ट्रकों में सेना के जवान यहां पहुंचे और होटल की सामने वाली लॉबी में घुस गए। लेकिन तब तक ताज के गुंबद में लगी आग होटल की ऊपरी मंजिल तक फैल गई।
बीच बीच में उन खिड़कियों से मदद के लिए बाहर झांकते लोग दिखाई दिए। ताज अब भी जल रहा था। आग बुझाने के लिए आए कर्मचारियों ने सीढ़ियों की मदद से लोगों को बचाना शुरू किया। धीरे धीरे करीब 200 लोगों को होटल के अंदर से निकाला गया, लेकिन इस दौरान आतंकवादी होटल के नए टावर में घुस गए। वहां उन्होंने फिर करीब 150 लोगों को बंधक बना लिया। होटल के बाहर बम स्क्वाड पहुंच चुका था, लेकिन अब तक किसी को भी आतंकवादियों की सही संख्या का अंदाजा नहीं था। मुंबई पर आतंकी हमले के अब तक 10 घंटे बीत चुके थे। पूरा देश इस उम्मीद में था कि मुंबई पर से आतंक का साया अब तक हट चुका होगा। लेकिन ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस में सैकड़ों लोगों ने सांसें थामकर जो रात गुजारी थी, उसकी सुबह अब तक नहीं हुई थी। आवाज़ें